छत्तीसगढ़ में नक्सली मोर्चे पर जवानों को बड़ी सफलता मिली है। हालिया कुछ महीनों में लाल आतंक का दायरा सिमटता हुआ नजर आ रहा है। दंतेवाड़ा बीजापुर जिले की बॉर्डर पर जवानों ने एक और सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बस्तर में हो रही झमाझम बारिश के बावजूद नक्सल मोर्चे पर जवान पूरी बहादुरी के साथ डटे हुए हैं और एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देते हुए मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को मार गिराया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर जिले की बॉर्डर पर लोहा गांव पीढ़िया के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को मार गिराया गया। मारे गए नक्सलियों की पहचान माओवादी संगठन में PLGA कंपनी नंबर 2 के नक्सलियों के रूप में हुई है। मारे गए सभी नक्सली पश्चिमी बस्तर और दरभा डिवीजन कमेटी में लंबे समय से सक्रिय थे। बस्तर IG सुंदरराज पी ने बताया कि मौके से 6 महिला नक्सलियों के साथ कुल 9 वर्दीधारी हथियार बंद नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। साथ ही एक SLR राइफल, एक 303 राइफल, BGL लॉन्चर, 12 बोर राइफल और 315 बोर राइफल सहित बड़ी मात्रा में गोला बारूद, नक्सली सामग्री और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। वहीं मुठभेड़ के दौरान अन्य कई नक्सलियों के मारे जाने और घायल होने की संभावनाओं को देखते हुए मुठभेड़ स्थल के आसपास के क्षेत्र में अतिरिक्त एनफोर्स टीम सर्चिंग कर रही है। जिला दंतेवाड़ा एवं बीजापुर के सीमावर्ती अंड्री एवं पुरंगेल जंगल में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी मोदी संगठन की महोदयों की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर DRG एवं CRPF के संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। सर्चिंग के दौरान सुबेरे 10:30 बजे से लेकर लगातार अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके का सर्चिंग में कुल 9 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से SLR 303, 315 बोर एवं अन्य आर्म्स एमिनेशन काफी बड़ी संख्या में बरामद की गई। सर्चिंग अभी भी जारी है। सुरक्षा बल सदस्य सभी सुरक्षित है। सर्चिंग अभियान पूर्ण होने पर अधिक जानकारी शेयर की जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।